हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि डीएससीपी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम लोग राउटर पर। तो इसका पूरा नाम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, और डीएससीपी से हम लोग अपना नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनको हम ऑटोमेटिक आईपी दे सकते हैं। डीएससीपी जो फीचर है उसको हम लोग सर्वर पर भी कन्फिगर कर सकते हैं और राउटर पर भी कन्फिगर कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को राउटर पर कैसे डीएससीपी कन्फिगर करना है ये देखना है, ठीक है। डीएससीपी कॉन्फ़िगर करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आप एक जगह से बैठ करके ऑटोमेटिकली सबको आईपी दे लेते हैं, आईपी के कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। कम क्या मतलब, होते ही नहीं हैं। किसी को अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक आईपी देनी है कि इस कंप्यूटर का यही आईपी रहेगा तो हम लोग उसके लिए रिजर्वेशन भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी पूरा का पूरा टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक सर्वर के थ्रू सभी कंप्यूटर्स पे कर सकते हैं। डीएससीपी से हमें ये फैसिलिटी मिलती है। तो डीएससीपी अगर हम कॉन्फ़िगर करना चाहें, अभी जो स्क्रीन पर आप लोगों को एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है, इस सिनेरियो में अगर आप देखो तो एक राउटर हमने लगाया है और उससे दो नेटवर्क कनेक्ट किया हमने। हम चाहते हैं कि इधर जो ये नेटवर्क है हमारा फर्स्ट नेटवर्क जो हमारे राउटर के गीगाबिट 0.0.0 से जुड़ा है उसको 192.168.88 के नेटवर्क की आईपी मिलेगा, और जो इधर आपका गीगाबिट 0.0.1 से है उनको 10.0.0 के नेटवर्क की आईपी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमें करना पड़ेगा, ऐसा एक सिनेरियो हमने बनाया और इस सिनेरियो में सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि राउटर के जो दोनों इंटरफेस है उनको हमें आईपी देना पड़ेगा। और आईपी हमेशा याद रखना है कि जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में जिस रेंज की आईपी होती है उसी रेंज की आईपी हम उस इंटरफेस पर भी देंगे जो उन लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, क्योंकि वही आईपी एड्रेस इन कंप्यूटर्स के लिए क्या बनेगा, गेटवे बनेगा। और गेटवे और आईपी कभी भी अलग अलग नेटवर्क के नहीं हो सकते, हमेशा जिस रेंज की आईपी होता है उसी रेंज का गेटवे भी होता है। तो इसलिए अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो राउटर पर हमें आईपी देना पड़ेगा और आईपी देने के बाद हम लोग इस पर डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिससे कि इनको ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग राउटर पर। राउटर का कंसोल हमने ओपन किया। कंसोल ओपन करने के बाद सबसे पहला जो कमांड हम लोग लिखते हैं वो होता है इनेबल, फिर हम लोग लिखते हैं कॉन्फिग, और यहाँ से सबसे पहले जो हमें काम करना है वो क्या है, तो आईपी देने का। तो जो हमारा पहला पोर्ट है उसका नंबर है इंटरफेस G0/0/0, ठीक है, और हम उसको आईपी देना चाहते हैं। तो अगर पहले से उस पर आईपी आपने दिया हुआ है और हटाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमांड लिखते हैं नो आईपी ऐड, तो इससे पहले जो आईपी दी होती है वो हट जाती है। और आपको नई आईपी अगर देना हो तो कमांड होता है आईपी ऐड और 192.168.88.1 हम रखना चाहते हैं राउटर की आईपी। इसका सबनेट मास्क भी हमें देना है .0। आपको पता होना चाहिए कि जब आप आईपी देते हैं उसके तुरंत बाद आपको नो शटडाउन कमांड चलाना चाहिए। क्यों चलाना चाहिए, क्योंकि राउटर के जो इंटरफेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, डाउन होते हैं। आपको अप करना होता है तो आप बोलते हैं नो शटडाउन, मींस शटडाउन नहीं होना यानी कि अप हो जाना। तो आप इधर लिखोगे नो शटडाउन, इस तरीके से पोर्ट क्या होगा, अप होगा। तो राउटर के एक इंटरफेस पर हम लोगों ने आईपी दे लिया। अभी दूसरा जो इंटरफेस है अगर उसकी हम बात करें तो उसका नंबर है G001 और उसको आईपी देनी है 10.0.0.1। तो कमांड हो जाएगा INT G0/0/1 और इसको आईपी देना है 10.0.0.1 और स्पेस सबनेट मास्क भी चाहिए नो शटडाउन। ओके, तो हमने राउटर को आईपी दे लिया। चेक करना चाहें अगर हम, तो हम सेकेंड मोड पर जाकर के कमांड लिख सकते हैं सो आईपी INT ब्रीफ। तो हम देख पा रहे हैं कि गीगाबिट 0.0.0 को 88.1 और गीगाबिट 0.0.1 को 10.0.0.1 आईपी मिल चुका है। अब हम इस पर डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो डीएससीपी के लिए हमें क्या कॉन्फ़िगर करना होता है, पूल कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, और यहाँ पर हमें दो पूल बनाने पड़ेंगे क्योंकि हम दो अलग अलग नेटवर्क की आईपी देना चाहते हैं। कुछ कंप्यूटर्स को हम 192 का देना चाहते हैं, कुछ कंप्यूटर को 10 का देना चाहते हैं, तो हमें दो रेंज ऐड करवाने पड़ेंगे अपने राउटर पर। चलिए सबसे पहले हम लोग 192 वाला नेटवर्क ऐड कराने जा रहे हैं। कमांड्स नोट कर लीजिए। इसके लिए पहले तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाना है, जिसके लिए हमने कमांड लिखा कॉन्फ़िग स्पेस टी, क्योंकि अभी हम सेकेंड पर आ गए थे। प्रिविलेज मोड पर ओके, तो डीएससीपी कॉन्फ़िगर करने का कमांड होगा यहाँ पर आईपी डीएससीपी पूल
और टूल का कोई भी नाम आप देना चाहें वो दे दीजिए, जैसे हमने दे दिया यस एंटर। तो एक पूल हम क्रिएट कर रहे हैं, एक रेंज क्रिएट कर रहे हैं जिस रेंज के आईपी हम अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं। और किस रेंज का देना चाहते हैं, तो वो नेटवर्क है 192.168.88.0 का, इसी रेंज के आईपी हम देना चाहते हैं इस वाले पूल में। अभी हमें दो पूल बनाना है, 10 का भी बनाएंगे 192 का भी बनाएंगे। तो पहला पूल हम बना रहे हैं इनकम्प्लीट आ रहा है, यानी इसके आगे हमें सबनेट मास्क भी लिखना पड़ेगा। तो सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आईपी का रेंज डिफाइन कर दिया कि हमें 88 के रेंज की आईपी जो है वो क्लाइंट्स को देनी है। अब अगर हम यहाँ पर ये भी डिफाइन करना चाहें कि उनके डीएनएस में कौन सी आईपी मिलेगा, गेटवे में कौन सी आईपी मिलेगा, तो उन सब के लिए भी आप यहीं पर कमांड चला सकते हैं जी। उसके लिए कमांड होगा डीएनएस सर्वर, और मान लीजिए हम चाहते हैं कि क्लाइंट के डीएनएस में आईपी मिले ये वाली 888। आप क्या आपके कंपनी में यूज होता है आप डाल सकते हैं। ये हमने अभी पब्लिक जो गूगल का डीएनएस है वो डाल दिया, तो यही उनके डीएनएस में आईपी मिलेगा। गेटवे में हम चाहते हैं कि क्या आईपी मिले उनके, तो कमांड होगा डिफॉल्ट राउटर, और जो हमारे राउटर की आईपी है ना वही हम उनके गेटवे में देना चाहेंगे। तो इसलिए हमारे राउटर की आईपी है 192.168.88.1। तो हम लोगों ने एक पूल कॉन्फ़िगर किया जिसमें हमने रेंज बताया कि 88 रेंज की आईपी देनी है, डीएनएस में जो है 888 देना है, और गेटवे मतलब राउटर की आईपी। अगर आप चाहते हैं कि स्विच को आईपी मिले तो स्विच में भी गेटवे डालना पड़ेगा, तो फिर वही रहेगा कि ओके। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर आईपी, डीएनएस और गेटवे हमने डिफाइन कर लिया। अब एक बार हम चल के चेक करते हैं पहले कि इन कंप्यूटर्स को जिनको हम 88 के रेंज की आईपी देना चाहते हैं आईपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद हम लोग 10 के लिए भी पूल बनाएंगे। तो इस कंप्यूटर पे गए, यहाँ पर हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, और स्टैटिक अभी आईपी इस पर डला हुआ, हम बोलते हैं कि डीएससीपी से आईपी चाहिए हमें। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें 192.168.88.2 आईपी मिल गया, और गेटवे में क्या मिला है 88.1 मिला है, डीएनएस में जो हमने दिया था वही मिला है। तो इस तरीके से अपने राउटर पर डीएससीपी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी एक नेटवर्क के लिए किया है, अगर हमें अब दूसरे के लिए कॉन्फ़िगर करना है तो सेम कमांड होगा, कमांड में कहीं अंतर नहीं होगा, बस पूल का नाम चेंज कर दीजिएगा। अगर उसका नाम यस था तो उसका नाम कुछ और कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम कमांड होगा। चलिए एक बार चला के देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है। हाँ सेम रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यहाँ से हमने किया एग्जिट, और कमांड होगा अगला आईपी डीएससीपी पूल, मान लीजिए इसका नाम दे दिया यस वन, उसका नाम यस था इसका यस वन कर दिया, और नेटवर्क आईडी क्या रहेगा तो 10 के ही रेंज का रहेगा, 10.0.0.0 स्पेस इसका सबनेट मास्क। और चूंकि हो गया ये नेटवर्क आईडी दे दिया, अब क्या देना है, डीएनएस की आईपी देना है, तो डीएनएस सर्वर, और डीएनएस में मान लीजिए हम यही देना चाहते हैं। गेटवे में हम अलग देना चाहेंगे तो डिफॉल्ट राउटर, और गेटवे में क्या देना है हमें, तो जो राउटर की आईपी है, राउटर की आईपी क्या है 10.0.0.1, ठीक है, बस हो गया डीएससीपी। तो हमने सेकंड के लिए भी पूल क्रिएट कर लिया। अब इस कंप्यूटर पर जाके देखते हैं हमें 10.0.0.2, 10.0.0.3 ये सारी आईपी इधर मिलनी चाहिए। एक बार डीएससीपी पर हमने क्लिक किया ऑटोमेटिक आईपी लेने के लिए, और अब देख पा रहे हैं कि 10.0.0.2 आईपी यहां पर मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर लिया राउटर पर।